और सीधी तस्वीरें इस वक्त इटली से आप सीधे देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात करते हैं और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उनकी ये द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है और अच्छे से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि ये उनका तीसरा कार्यकाल है और G7 समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है और हर राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात वो कर रहे हैं किस तरीके से आपसी जो समरसता है आपसी जो रिश्ते हैं आपसी जो संबंध है उनको और ज्यादा प्रगाढ़ किया जा सके और ज्यादा मजबूती उनमें लाए ताकि भारत की जो धाक है वो ना केवल दक्षिण तक सीमित हो बल्कि पूरे विश्व भी उसको देखे हर राष्ट्र भी उसको समझे जाने और ऐसे में प्रधानमंत्री की मुलाकातें बेहद अहम हैं। भारत और ब्रिटेन की जो साझेदारी है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास किस तरीके से यहाँ पर किया जाए इसके अलावा जो आपसी सुरक्षा है उसमें भी किस तरीके से एक दूसरे का योगदान यहाँ पर हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और ब्रिटेन के बीच में तो ऐसे में उसमें भी और सुधार किस तरीके से किया जाए ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज की ये मुलाकात बेहद अहम होने वाली है और G7 का ये मंच है ग्रुप 7 के वो तमाम 7 देश यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकातें इन तमाम देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नया आयाम यहाँ पर लेकर आएंगी। किस तरीके से वो अब भारत की ओर इन तमाम देशों को आकर्षित करेंगे उन राष्ट्राध्यक्षों को आकर्षित करेंगे और ऐसा हुआ भी है बीते 10 सालों से हमने देखा किस तरीके से जो रुझान है भारत के प्रति वो लोगों का बदला है और जो झुकाव है दुनिया का वो भारत के प्रति और ज्यादा झुकने को और ज्यादा नीचे देखने को मिला है और ऐसे में किस तरीके से भारत की जो छवि है पूरी विश्व में पूरी दुनिया में वो और उभर कर और मजबूती के साथ निकल कर सामने आ रही है और यही कारण है कि आज जब ये G7 समिट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बुलावा आता है जब वो विशेष अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचते हैं और G7 के मंच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।